देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज कोतवाली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कैश काउंटर से 10 लाख रुपए गायब हो गए, जिसको ले जाता एक व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। बता दें कि पूरा मामला कन्नौज कोतवाली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पर शनिवार को भी दोपहर कैश काउंटर से एक व्यक्ति 10 लाख रुपए लेकर चला गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है किस प्रकार से व्यक्ति रुपयों के थैले को ले जा रहा है। वहीं कैश काउंटर से रुपए गायब होने की जानकारी पुलिस महकमे को ही तो हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी प्रशांत वर्मा, एएसपी अरविंद कुमार और कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मामले में छानबीन की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। तुम करो बैंक में घटना हुई है, क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ से ये चोरी हो गई 10 लाख की। एक बंदा आया है मास्क लगा के, जो वीडियो में दिख रहा है, और यहाँ से उसके साथ एक और भी बंदा था, तो ले गए उसने कैश से पैसे 10 लाख रुपए लेके भाग गया। कहाँ से पैसे उठाए उसने? कैश केबिन से, यहाँ से केबिन के अंदर से। बाकी अभी पुलिस को सब रिपोर्टों को आके देख भी लिए हैं सारी चीज़ें। सीसीटीवी आप लोग भी थी, सीसीटीवी में कैमरे में आ ही रहा है वो, और उसमें पूरा आप लोग ने तहरीर पुलिस को दी जा चुकी है ऑलरेडी। बैंकों में कोई भी घटना होता है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। पता कैसे चला कि चोरी हुई? जब हमारे कैशियर ने देखा, जब पेमेंट आई 5 लाख की, 3 लाख और 2 लाख की दो पेमेंट है, जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे बंडल ही मिले, तुरंत रिपोर्ट हुई। इसके बाद चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।